नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार। आप देख रहे हैं जीएन भारत, जन जन तक। लूट और रंगदारी मामले में दो अपराधी हुए गिरफ्तार। दोनों अपराधी को सिलाफरी गुमला से गिरफ्तार करके भेजा गया जेल। गुमला के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एहतेशाम वाकरीब को मिली गुप्त सूचना पर गुमला थाना प्रभारी मनोज कुमार के नेतृत्व में पुलिस की टीम गठित कर सिलाफरी के रहने वाले राजकुमार साहू के बेटे 25 साल के प्रफुल्ल कुमार और खेतवाली के रहने वाले बिरसा उराव का 36 वर्षीय पुत्र सुकरा उराव को 2 देसी कट्टे और 4 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता आयोजित कर बताया कि बीते कुछ दिनों से दोनों अपराधियों की रंगदारी में पैसा मांगने की शिकायत मिल रही थी। इस संबंध में कांड दर्ज करके अनुसंधान किया जा रहा था। इसी क्रम में 12 जनवरी को रात 10 बजे मिली गुप्त सूचना पर गुमला थाने की टीम ने एक प्लान बनाया और छापेमारी करके इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने ये भी बताया कि अपराधियों के विरुद्ध पहले से ही सिसई थाने में 4 कांड और गुमला थाने में कांड संख्या 291/18 दर्ज है। इन दोनों के खिलाफ धारा 302 के तहत भी केस दर्ज है, यानी दोनों गंभीर धाराओं में पहले से लिप्त रहे हैं। फिलहाल इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मिल रही थी कि गुमला थाना अंतर्गत कुछ लोग रंगदारी के लिए पैसे हथियार लेके घूम रहे हैं और पैसे मांगने के रंगदारी कर रहे हैं। उसी को लेके हमने गुमला थाना प्रभारी मनोज कुमार के अध्यक्षता में एक टीम गठन किया, जिसमें कुंदन कुमार, विवेक कुमार और नए सब इंस्पेक्टर लोग थे, और लगातार छापेमारी करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 2 कट्टा भी बरामद हुआ और 4 जिंदा कारतूस। और ये लोग लगातार इस एरिया में रंगदारी के लिए लोगों को धमकी दे रहे थे। इन दोनों का पिछले भी आपराधिक इतिहास रहा है, एक प्रफुल्ल कुमार साहू, एक सुकरा उराव। प्रफुल्ल कुमार साहू 291/18 में भी आर्म्स एक्ट में जेल गया था और सुकरा उराव पे 4 केस पहले भी दर्ज है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।